नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचा सिंह। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तां हमारा। ये महज कुछ शब्द नहीं बल्कि वो भाव हैं जो हम सभी के हृदय में रहते हैं। तभी तो जब भी हमारे देश की बात होती है, देश से जुड़े गाने बजते हैं तो मन अपने आप ही देशभक्ति की तरंगों में हिलोरे लेता रहता है। और अगर हम बात अपने स्वतंत्रता दिवस की करेंगे तो हर भारतवासी अपने संस्थान पर तिरंगा फहराते हुए देश के प्रति अपना समर्पण प्रस्तुत करता है। और इस बार तो हर घर तिरंगा अभियान भी लगातार चल रहा है। तो इस महत्वपूर्ण दिन के मौके पर जगह जगह तिरंगा यात्राएं भी निकल रही हैं। इस तरह के अभियान ज़रूरी भी है कि हर भारतवासी समझ सके कि हमने ये आज़ादी कैसे पाई थी। इसी समर्पण की भावना के तहत स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आज राजधानी लखनऊ में रक्षा के क्षेत्र में आने के लिए युवाओं को तैयार करने वाली प्रदेश की प्रसिद्ध शील्ड डिफेंस एकेडमी द्वारा इंदिरा नगर स्थित अपने कार्यालय से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक सम्मिलित हुए। इस मौके पर सी न्यूज भारत पर बोलते हुए शील्ड डिफेंस एकेडमी के संस्थापक शिवम शुक्ला ने इस महान दिन का अर्थ समझाया। सबसे पहले मैं अपने समस्त देशवासियों को 78वें गणतंत्र दिवस की पूरे शील्ड डिफेंस एकेडमी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरे भारत देश में एक हर्षोल्लास का माहौल है और हमारा देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि आज शील्ड डिफेंस एकेडमी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर 78 मीटर लंबे तिरंगे की तिरंगा यात्रा निकाली है और इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आजादी के इतने दिनों बाद आप देश की आजादी को किस तरह देखते हैं कि अभी पूरी तरीके से देश आजाद हुआ है या किस कमियां रहेगी? देखिए, अगर हम आजादी की बात करें तो देश हमारा बाहरी आक्रांताओं से तो आजाद हो गया है, लेकिन आज फिर भी बहुत सारी ऐसी हमारे देश में बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं जिनसे आज भी हम परतंत्र हैं। तो मुझे लगता है कि हमें सभी को अपना नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए हमें अपने भारत देश को, जो भी हमारे देश के अंदर कुरीतियां हैं, जो भी बुराइयां हैं, उनसे भी हमें बहुत जल्द आजाद होना चाहिए। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।